नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार 2.0 के दूसरे बजट को पेश किया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही मोदी सरकार के इस बजट में क्या खास है, देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा एक्शन ले रही है। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि T2-T3 शहरों में मदद पहुंचाई जाएगी। इसके लिए PPP मॉडल की मदद ली जाएगी जिसमें दो फेज में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा। मेडिकल डिवाइस पर जो भी टैक्स मिलता है उसका इस्तेमाल कर मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। TB के खिलाफ देश में अभियान शुरू किया जाएगा। TB हारेगा देश जीतेगा। सरकार की ओर से देश को 2025 तक TB मुक्त करने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सेंटर्स की संख्या बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। किसानों के अनुसार एक जिले में एक प्रोजेक्ट को फोकस किया जाएगा। जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा। दूध के प्रोडक्शन को दुगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी। मनरेगा के अंदर चारागाह को जोड़ दिया जाएगा। ब्लू इकोनॉमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को दी जाने वाली मदद को दीनदयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा। फर्टिलाइजर का बैलेंस इस्तेमाल करना ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके। वहीं महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना का ऐलान किया है जिसके तहत 20 से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा। इंटरनेशनल नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। दूध मछली मांस समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का गठन जिसके जरिए इन्वेस्टमेंट करने वालों को मदद दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए सरकार की ओर नई स्कीम का ऐलान किया गया है जिसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। हर जिले में एक्सपर्ट हब बनाने के लिए योजना चलाई जाएगी। इसके अलावा निर्विक योजना के तहत लोगों को लोन दिया जाएगा। अगले पाँच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का टारगेट है। अब ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे। जल्दी सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जाएगा। जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएगी। लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधा दी जाएगी। भारत के छात्रों को भी एशिया अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। डॉक्टरों के लिए एक खास ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी। इसके तहत मॉडर्न रेलवे हाईवे अड्डा बस स्टेशन लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को अपने स्टार्टअप में युवाओं को जोड़ने की अपील भी की जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे को जल्द ही पूरा किया जाएगा। 6,000 किलोमीटर वाले हाईवे को मोनिटाइज किया जाएगा। देश में 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। 24,000 किलोमीटर ट्रेन को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा। तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा जो टूरिज्म डेस्टिनेशन तक जाएगी। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के काम में तेजी आएगी। जल विकास मार्ग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मार्ग को असम तक बढ़ाने की योजना है। ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्ट किया जाएगा। 1 लाख ग्राम पंचायतों को इस साल ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। भारत नेट योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए का ऐलान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को काफ़ी समर्थन भी मिला है। इस योजना के जरिए बाल अनुपात भी बढ़ा है और काफ़ी अंतर देखने को मिला है। 10 करोड़ परिवारों के न्यूट्रिशन की जानकारी दी जाएगी। 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाई गई थी, अब हमारी सरकार लड़कियों के मां बनने की उम्र को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो 6 महीने में इस रिपोर्ट पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि ऐतिहासिक धरोहर के लिए 3,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा। बड़े शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4,400 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है। एक अच्छे देश को चलाने के लिए जिन बिंदुओं का जिक्र जरूरी है मोदी सरकार ने उन सभी को पूरा किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। PM मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त रही है। अपने भाषण में टैक्स पेयर्स के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में टैक्स के नाम पर अगुवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स पेयर्स के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। कंपनी अधिनियम में संशोधन किया है। नॉन गैजेट पोस्ट के लिए
कॉमन टेस्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का प्रस्ताव रखा जाएगा। अपने संबोधन में निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी योजना को लागू किया गया है। सरकार की ओर से कृषि विकास योजना को लागू किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया गया है। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दुगुना करना है। किसानों की मार्केट को खोलने की जरूरत है ताकि उनकी आय को बढ़ाया जा सके। किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान करती है, इसमें किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा। मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्यों सरकारों द्वारा लागू कराया जाएगा। 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए। पीएम कुसुम स्कीम के जरिए किसानों को पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा, जिसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने लद्दाख के लिए किया 5,958 करोड़ रुपए का ऐलान। 2022 में भारत G20 सम्मेलन का आयोजन करेगा, इसके लिए सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार की ओर से लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है।